Among the seats going to polls in the first phase is also seats from Rajasthan. Joining me now is a member of parliament and also union law minister Arjun Ram Meghwal. Meghwal ji, thank you so much for speaking to NDTV. You are fighting from Bikaner. BJP did very well in Rajasthan, scoring full 100 on 100. What do you think will happen this time? इस बार बड़े अंतर से पूरी की पूरी सीटें आएगी. इस बार का वातावरण अलग है, डिफरेंट वातावरण है और फील्ड में बहुत अंडर करंट है. तो मोदी जी ने 10 साल काम किया है, योजनाएं नीचे तक पहुंची हुई है. मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, मुझे तो बीकानेर ऐसा लगता है इस बार की सीट बहुत बड़े अंतर से हम बीकानेर की सीट जीत रहे हैं. लेकिन मेघवाल जी, सवाल तो ये है कि आप लोग जरूर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की भी है. बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनको पार्टी ने बदला भी है, नए चेहरे भी लाए हैं. तो आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव मोदी की गारंटी पर होगा? देखिए, मोदी जी ने वर्क कल्चर बदल दी. मोदी जी ने 112 योजनाएं इस देश में लागू की और उन योजनाओं के माध्यम से वो ढाणी ढाणी गांव गांव पहुंच गए. अब मोदी जी से पहले भी शौचालय रहे होंगे, पर बहुत बहुत कम मात्रा में. लेकिन जब मोदी जी ने 1.5 करोड़ शौचालय बनाए तो लोगों के घरों में मोदी जी पहुंच गए. अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के पास अन्न जा रहा है. तो पता ही है ना, मोदी जी भेज रहे हैं. उसके बाद जिनके कच्चे घर थे उनके पक्के घर हो गए. जिनके इलाज नहीं होता था, आयुष्मान भारत से इलाज हो गया. जिनके पानी नहीं आता था, नल से जल योजना के तहत जल जीवन मिशन से पानी आने लग गया. गर्भवती माताएं, उनके जो पेट में 15 बच्चा होता है वो कभी कभी कुपोषण का शिकार हो जाता था, तो प्रतिमाह 5,000 रुपए मातृवंदना स्कीम से भेजने लग गए. तो सबको पता चल रहा है ना कि मोदी जी ये चीज हर चीज हर सेक्टर के लिए मोदी जी सोच रहे हैं, मोदी जी चिंतन कर रहे हैं. अब आप देखिए, पानी महिलाएं लाती थी दूर से तो उनका समय लगता था. अब लगते हैं कि भी पानी हमारे घर में आ गया, तो हमें इस समय का समाज निर्माण में, परिवार को संवारने में, बच्चों को संस्कारित करने में हम समय लगा सकते हैं. उनको भी पता है कि हमें ये समय मिला परिवार को संवारने का. किसान सम्मान निधि से किस्तें जारी है. दूसरा, DBT ने बहुत बड़ा काम किया था, ये आपके और ध्यान में तो रहा होगा. लेकिन ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसने बहुत बड़ा काम किया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा तब नीचे उसके खाते में चला जाता है. तो वो देखते हैं, ये है मोदी जी. पहले लोग सोचते थे 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए ही पहुंचता है. अब वो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं उसके खाते में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है. ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, ये उसी का ही नतीजा है कि हर जगह ये वातावरण है कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के. आप लॉ मिनिस्टर हैं, 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ उस वक्त से एक इशू बहुत अहम रहा है पार्टी के लिए, वो है यूसीसी भी. राम टेंपल और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो चुका है. क्या अगला टर्म अगर होगा तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाएगी? अच्छा, आप भी मानते हैं कि 2 तो पूरे हो गए ना. तो हमने जो जनता से वादे किए उनको पूरा करने की ओर ही बढ़ रहे हैं. अब जो यूसीसी का मसला है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित रहेगा और राज्य सरकारें भी इसमें सक्षम है. तो अपने अपने ढंग से राज्य सरकारें भी काम कर रही है. गोवा में पहले से ही था, उत्तराखंड ने अपना कानून पास किया. और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में कुछ बड़े बड़े काम, जैसे पाकिस्तान पानी अभी तक जा रहा था, लेकिन हमने कभी इंडस्ट्री की समीक्षा होगी ये सोचा ही नहीं. जब देश आजाद हुआ तो 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 3 भारत को मिली, लेकिन वो पाकिस्तान की और झुकता हुआ समझौता था. वर्ल्ड बैंक अलग से पंचायती करता था. तो ये जो हमारा एरिया है रेगिस्तान या कुछ एरिया जहाँ अकाल और सूखा ज्यादा पड़ता, वो कहते हैं पानी की समस्या का भी समाधान होना चाहिए, हमारा पानी है. तो ये जो समीक्षा की बात,
पाकिस्तान जाने वाला पानी जो अननेसेसरी जा रहा है, हमारे हक का भी जा रहा है, उसको रोकने का मुद्दा, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें आपने जिक्र किया वो भी बड़ा मुद्दा है। ये सब देश हित में निर्णय लिए जाएंगे आने वाले समय में।